गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से खरीदे थे चाकू, एटीएस के डर से घर से भागा था मुर्तजा। गोरखपुर हमले का आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए चला रहा था व्हाट्सएप ग्रुप। मुर्तजा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे 200 से ज्यादा लोग, इनमें नेपाल के लोग भी थे। मुर्तजा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे हिरासत में लिए गए लोग। यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट किया है बरामद। मुर्तजा के पासपोर्ट पर मुंबई का पता लिखा है, 6 महीने पहले दुबई भी गया था। कानपुर में 2 और लॉकर से लाखों के जेवर गायब। 24 दिन में 9 लॉकर से करीब 3 करोड़ के गहने गायब मिले। अब तक 500 में 212 ग्राहकों ने चेक किया अपने लॉकर। मेरठ के सरूरपुर इलाके में गौ सेवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। एक गौ सेवक की गोली मारकर हत्या की गई, दूसरा गौ सेवक गंभीर रूप से घायल है, नाजुक हालत में दिल्ली रेफर किया गया। मेरठ में गौ सेवक पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। चारागाह की जमीन के विवाद में हत्या की वारदात, विवादित जमीन पर गौशाला होने की बात। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए आज शाम 4 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 9 अप्रैल को 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग है। 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं भाजपा के उम्मीदवार। देश में बढ़ती महंगाई पर बसपा अध्यक्ष मायावती को चिंता, बोली आवश्यक सामानों की बढ़ रही कीमतों के कारण घुट घुट कर जीने को लोग मजबूर, बेरोजगारी और गरीबी की जबरदस्त मार झेल रही जनता। देहरादून में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेसियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला सहकारी बैंकों में हुई नियुक्तियों में धांधली का मामला गरमाया। कांग्रेस ने की सीबीआई से जांच करवाने की मांग। सीएम बोले जरूरत पड़ी तो होगी उच्च स्तरीय जांच। मसूरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। सरकारी अस्पताल में किया सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय। 3 मई को 12:15 बजे खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। सुबह 8:30 बजे खुशीमठ से रवाना होगी माँ यमुना की डोली। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान गिफ्ट और बुके ले जाने पर रोक है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये आदेश जारी हुआ है। सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं आप। पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें और बड़ी, बाहुबली विजय मिश्र समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। इस वक्त आगरा जेल में बंद है भदोही जिले के पूर्व विधायक। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चमोली दौरे पर सचिव एसएस संधू। मुख्य सचिव ने गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचकर चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया।